हाउ आर यू? ओके फाइन वेल। बेटा हम लोग अपने चैप्टर 6 पर आने से पहले आप लोगों से जो इस समय कॉमन पैंडेमिक चल रही है कोरोना COVID-19 इसके अबाउट आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या आप लोग हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं? क्या आप लोग SMS रूल को फॉलो कर रहे हैं? अगर हाँ तो बताइए SMS में S for ने क्या बताया था? ओके चलिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। S for ने बताया था सॉप एंड सैनिटाइजर। क्या यूज करना है? सॉप एंड सैनिटाइजर। घर से बाहर है पानी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर, अदरवाइज घर पे है तो हैंड वॉश करना है। लगभग हर एक घंटे के बाद आप सब सॉप से हैंड वॉश करोगे। फिर बारी आती है एम की। एम फॉर हमने आपको क्या बताया था? एम फॉर बताया था मास्क। कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क यूज करेंगे, ठीक है, या कहीं भी पब्लिक प्लेस पर है या कोई बाई चांस आपके घर पर आ गया है स्ट्रेंजर पर्सन नया पर्सन उसके सामने आपको जाना जरूरी है, आप मास्क यूज करिए तब उसके सामने जाइए। फिर बात भी आती है एस की। एस एम के बाद लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है? एस। एस फॉर क्या हो गया? लास्ट एस का फॉर हमने क्या आपको बताया था? सोशल डिस्टेंसिंग। कहीं भी बाहर जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, इसके थ्रू हम इस पैंडेमिक से बच सकते हैं, बचने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। ओके साथ में कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे। ओके अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 का हम लोगों ने आपका चैप्टर 6 है क्या? आपके चैप्टर 6 का नेम है तेनालीरामन एंड द रेड पीकॉक। अब आपको याद आ गया होगा है ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को का हाफ पार्ट रीड किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी है ना। क्या पढ़ा था हमने? चतुर पंडित नाम का एक व्यक्ति राजा के दरबार में एक रेड पीकॉक लेकर के आता है ना, उसके अबाउट स्टोरी चल रही थी। अब आपको स्टोरी भी याद आ गई होगी, तो हम लोग मूव करते हैं पेज नंबर 63 पर। पेज नंबर 63। ओके अब हम लोग स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 पिक्चर पर आना है ना। 2 weeks लेटर, 2 weeks के बाद तेनालीरामन टेक्स द पीकॉक टू द कोर्ट। तेनालीरामन कोर्ट में पीकॉक्स जो पेंट करवाया था लेके आया। प्रॉफिट तेनाली प्रेजर्व गिव हिम 1000 गोल्ड क्वाइंस। बहुत अच्छा तेनाली और खजाने से इनको 1000 गोल्ड क्वाइंस दे दिए जाएं। ऐसा कौन बोला? ऐसा राजा बोला, किंग बोला। दैट इज नॉट व्हाट दे कॉस्ट योर मैजेस्टी। ये इन पीकॉक्स की रियल प्राइस नहीं है, ऐसा तेनालीरामन ने कहा। व्हाट इज योर प्राइस देन तेनालीरामन? तो फिर तेनालीरामन इनकी प्राइस क्या है? अब हम लोग पिक्चर 8 पर आते हैं। अ बकेट ऑफ वाटर। क्या है इनकी प्राइस? अ बकेट ऑफ वाटर मतलब एक बाल्टी पानी, एक बकेट भर के पानी। अ बैग ऑफ रेड पेंट और एक रेड पेंट, एक बैग भर के रेड पेंट चाहिए। एंड अ गोल्ड कॉइन फॉर द आर्टिस्ट और एक गोल्ड कॉइन आर्टिस्ट के लिए। कौन से आर्टिस्ट के लिए? जिस पेंटर को उन्होंने बुलाया था पीकॉक्स को पेंट करने के लिए। अब आते हैं चैप्टर 9 पर, पिक्चर 9 पर। चतुर पंडित यू विल गो टू जेल। राजा बोला चतुर पंडित अब तुम जेल जाओगे। योर मैजेस्टी प्लीज फॉरगिव मी, राजा महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कौन बोलता है? चतुर पंडित बोलता है। पिक्चर 9 में देखिए आई विल डू सो बट यू विल नॉट कम टू द कोर्ट फॉर अ मंथ। मैं अब इसके बाद तुम 1 महीने तक कोर्ट में नहीं आओगे। ऐसा किसने किससे कहा? ऐसा राजा ने चतुर पंडित को कहा। फिर नीचे देखिए दैट डे इट रेन एंड पीकॉक्स डांस्ड। उसी दिन बारिश हुई और जब बारिश हुई तो सारे पीकॉक, आपको पता है पीकॉक्स बारिश में डांस करते हैं, सारे पीकॉक बारिश में डांस किए। द रेन वॉश्ड ऑफ दियर कलर और बारिश ने उनके सारे कलर जो पेंट हुए थे उसको धुल दिया। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट पेज नंबर 64 पर आ जाइए। तेनाली स्माइल्स, तेनालीरामन मुस्कुराए। द पीपल ऑफ किंगडम डांस इन द रेन। राज्य के सारे लोग बरसात में डांस कर रहे थे। तो ये थी आपकी स्टोरी है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट हाफ का हमने आपको हार्ड वर्ड नोट कराया था, सेकेंड हाफ के भी एक कुछ हार्ड वर्ड्स देख लीजिए, इसी के आगे इनको कंटिन्यू कर लीजिएगा और इनको भी 2 times रिपीट जरूर करिएगा। कैसे? मिडिल लाइन खींचेंगे और एटलीस्ट 1 या 2 times और
और इनको लिखना होगा। आज का फर्स्ट वर्ड हार्ड वर्ड है आपका आर्टिस्ट, सेकंड हार्ड वर्ड है आज का आपका प्रेजर, थर्ड है गोल्ड, फोर्थ है पेन, फिफ्थ है ब्राइड और सिक्स्थ है किंगडम, सेवेंथ लास्ट डांस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हार्ड वर्ड समझ में आता है आप नोट कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, चैप्टर नंबर डालेंगे, चैप्टर का नेम डालेंगे, फिर हार्ड वर्ड्स एंट्री करेंगे पेज पर, उसके बाद हार्ड वर्ड्स नोट करेंगे। हार्ड वर्ड्स नोट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे वर्ड मीनिंग पर। वर्ड मीनिंग आपकी कहाँ है, पेज नंबर 64 पर। ये वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, इतना वर्क करके आप लोग हमें सेंड करिए ग्रुप पर, हम आपका वर्क चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्राइज के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।